अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरा भी जो माइंडसेट था ना काफ़ी लिमिटेड था। तो जब मैं लोगों से मिलने लगा, पॉडकास्ट करने लगा, इंटरव्यूज करने लगा, मेरे को एक फ़र्क दिखा कि इनका जो है ना कि ये जो छोटा नहीं सोचते हैं, ये लोग सोचते भी बहुत बड़ा है और वो उसको पूरा करने के लिए दम भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया। तो उन लोगों से सीखने को मिला और उनमें से मैं नाम भी लेना चाहूँगा, एक सुपर इंडियन ब्लॉग्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके फाउंडर तथागत पुरुषोत्तम। तो वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो उनका ये जो बोलने का जो वो था स्किल था काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि सतीश, तू कभी अपने सपनों पे लिमिट मत लगा। तू हमेशा ये मत सोच यार मुझे ना 50,000 तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचना है। नहीं भाई, तू जितना सोच सकता है उतना तू पूरा कर सकता है। अपने आप में तू बिलीव रख और लिमिट मत लगा, क्योंकि अगर जिस दिन तू लिमिट लगाएगा ना तो तेरा माइंड इसके ऊपर जाएगा ही नहीं वो चीज करने के लिए। और हम जब बड़ा सोचते हैं ना तो हमारा माइंड भी वो बड़ा करवाने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए बोलता है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने मुझे सिखाया। तो जो ग्रोथ माइंडसेट ना, मेरे इस यूट्यूब के वजह से ये सारी चीजें डेवलप हुई मेरे अंदर। फिर मैं बुक्स पढ़ने लगा था, जो लोग सक्सेसफुल लोग जो बुक्स रेकमेंड करते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, आपके अंकुर वारिकू जी हो गए, रणवीर अलावादिया, तो ये लोग बताते थे कि भाई ये बुक्स पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी वो बुक्स खरीदे, फिर धीरे धीरे बुक्स पढ़ने का अंदर से इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मैं इतना वो नहीं था कि यार बुक्स कौन पढ़ेगा। ऐसी कौन सी किताब थी जो बहुत अच्छी लगी? और सबसे पहले मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट भी मैंने पढ़ी, और जो सबसे मेरा फेवरेट बुक है आज भी मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड करके, वो बुक मुझे बहुत जबरदस्त लगी। इवन मैंने गिव अवे भी करी अपने सब्सक्राइबर को, जब भी मिलता रहता हूँ तो मैं बुक में गिव अवे कर देता हूँ।